गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस कंडक्टेड बाय सेंट्रल स्कूल एंड कॉलेजेस। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20 ऑफ फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नेम इज मैटर एंड क्लास 6। ओके, चैप्टर क्वेश्चन नंबर 18 तक मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 19 में अपना देख लीजिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन द थ्री स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्टिकुलर मॉडल। ये ऑलरेडी हमने क्वेश्चन नंबर 16, 17 और 18 में एक्सप्लेन किया था मॉलिक्यूलर मॉडल बता के दिखा के। तो ये सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में इसलिए इसको हम नहीं एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 में देखते हैं कि क्या है। डिस्टिंग्विश बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। अभी तक में हमने देखा था कि सॉलिड लिक्विड गैस की जो प्रॉपर्टीज हमने एक्सप्लेन की थी आपको, उससे दो तीन और ज़्यादा बारे में पूछा जा रहा है कि सॉलिड लिक्विड गैस में कैसा होता है। ओके, तो इसकी फोर प्रॉपर्टीज पूछी जा रही हैं और अलग अलग स्टेट्स में भी सॉलिड लिक्विड गैस में कैसे कैसे ये क्या होगा क्या नहीं होगा। ओके, तो इसका जो फर्स्ट वन पार्ट है कंप्रेसिबिलिटी, उसके बाद फ्लूइडिटी, ठीक है, फ्लूइडिटी के बाद रिजिडिटी, रिजिडिटी के बाद एक्सपेंशन ऑफ हीटिंग, कि हमारा हीटिंग के बाद उसका एक्सपेंशन कितना होता है। ओके, ये हमारा थ्री स्टेट में बताना है आपको, किसमें किसमें सॉलिड लिक्विड और गैस में। ओके, तो ये इज द कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी इसमें सॉलिड्स में बिल्कुल नहीं होती, नॉट पॉसिबल, नॉट कंप्रेसिबल। मीन्स कोई भी सॉलिड होता है उसका डेफिनेट शेप दिया होता है, ठीक है, उसको हम कंप्रेस करेंगे वो बिल्कुल कंप्रेस नहीं होगा। ओके, नेग्लिजिबली कंप्रेस, लिक्विड में क्या होता है नेग्लिजिबल, इतना मतलब माइन्यूट सा होता है कि वो हमें दिखता नहीं है, पर हम जब उसे कंप्रेस करते हैं तो वो हल्का सा होता है, ठीक है, दिखता है। और इसमें हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल मीन्स जैसे कि क्या, जब भी हम क्या होता है सपोज दैट कि हम अगर किसी बलून में अपनी एयर भरें और उसके बाद हम उसे पुश करें दबाएं तो देखें तो वो दब जाता है, तो इट मीन्स ये हाईली कंप्रेसिबल होता है, ठीक है। अब बी पार्ट में दिया फ्लूइडिटी, उसकी फ्लूइडिटी कैसे होती है सॉलिड्स में, सॉलिड बिल्कुल फ्लो नहीं करता, नॉट पॉसिबल, ठीक है, सॉलिड क्या फ्लो कर सकता है, बिल्कुल नहीं कर सकता। ओके, आप लोग देख भी सकते हो, ठीक है, कैसे हमारा जो क्रिस्टल है वो फ्लो करेगा क्या, जैसे ये है क्या ये फ्लो करेगा, नहीं, हाँ मेरा पड़ा होगा, ठीक है, तो ये कैसा है हमारा नॉट पॉसिबल। लिक्विड में क्या होता है कैन फ्लो, लिक्विड हमारा फ्लो कर सकता है, ठीक है, लीवर में देखिए आप वाटर दिया होगा फ्लो करता रहता है ना, तो इट मीन्स कि इसमें फ्लो हो सकता है। सेम गैस में भी फ्लो होता है पर हमें दिखता नहीं है, जैसे अब ये क्लास है, क्लास में एयर फ्लो कर रही है, ठीक है, वो हमें दिख नहीं रही है, कहीं ना कहीं वो फ्लो करती रहती है। रिजिडिटी, अब हम रिजिडिटी की बात करें सॉलिड्स में तो हाईली रिजिड, ये टाइटली स्ट्रिक्ट एकदम होते हैं ना, ये देखिए ये हाईली रिजिड है, कैसा है ये हाईली रिजिड है, ठीक है, लेस रिजिड, ये कैसे होते हैं कंपैरिजन टू सॉलिड से लेस रिजिड होते हैं, ये लेस मीन्स कि बहुत ही कम रिजिड होते हैं कंपैरिजन टू सॉलिड्स में, ठीक है, और इसमें गैस में नॉट रिजिड, ये बिल्कुल कहीं से भी रिजिड नहीं होते हैं, ये बेंड हो जाते हैं, मूव करते हैं, फ्लो करते हैं, ऐसी कंडीशन से ही होते हैं। कैसा होता है लो होता है, ठीक है, इसको जैसे हमने इस सॉलिड को क्या किया, हमें क्या करना है सॉलिड को हीट देंगे हम किसी भी सॉलिड को, तो काफ़ी टाइम के बाद अगर हम हीट करेंगे इसमें तब ये जाके कहीं ये तो क्या नॉलेज का है कुछ मतलब ही नहीं है, पर लेकिन हम अगर किसी और मेट्स जैसे गोल्ड की बात करें सिल्वर की बात करें तो हाईली मीन्स कि वो क्या होता है बहुत कम बहुत जल्दी नहीं एक्सपेंशन होता है इसमें सॉलिड्स में एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस, ठीक है, लिक्विड में कैसे मोर देन सॉलिड, सॉलिड की कंपेरिजन में ये हमारा क्या होता है एक्सपेंशन इसका बहुत इसके मोर देन सॉलिड, सॉलिड की कंपेरिजन में इसमें